लूना 25 रशियन मून मिशन फेल हो गया है। लूना 25 मून पे क्रैश कर गया है। 47 ईयर लेटर रशिया ने ये मून मिशन लॉन्च किया था, पर अब ये फेल हो गया है। इसके बारे में रशिया स्पेस कॉरपोरेशन रॉस्कोसमोस ने कन्फर्म की है, कन्फर्म डाटा दी है। रॉस्कोसमोस याद रखना, ये स्पेस एजेंसी जो कि रशिया का, रशियन सोवियत यूनियन के बाद 47 ईयर बाद फर्स्ट लूनार मिशन मून पे लॉन्च की थी और ये अब क्रैश कर गए हैं। ये एक मैन एरर के कारण ये हादसा हुई है। ये जो क्रैश करने का ये कारण है, मैन एरर है एक। असल में मैं आपको बता दूं कि इंडियन मून मिशन लॉन्च की गई थी, चंद्रयान 3 लॉन्च की गई थी 14 जुलाई 2023 2:35 PM में PM को लॉन्च की गई थी, और हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होने का 27 से 28 दिन बाद यानी 11 अगस्त को रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोसमोस ने लूना 25 को लॉन्च किया था, और इंडियन मून मिशन लैंड करेगा 23 अगस्त को यानी आज से 1 डे बाद यानी कल ही लैंड करेगा। पर ये जो मिशन देख रही हो लूना 25 लैंड करेगा 21 अगस्त को, ऐसा ही उनका दावा था, ऐसा ही उनका एस्टिमेट कैलकुलेशन था, जो कि हमारा लैंड करेगा, हमारा मून मिशन इंडियन मून मिशन लैंड करेगा 23 अगस्त को, और ये लैंड करेगा लूना 25 लैंड करेगा 21 अगस्त को, यानी 2 दिन पहले ही लैंड कर जाएगा, ऐसा ही उनका कहना था, और ये अब क्रैश कर गई है। रशियन मून मिशन लूना 25 जो कि क्रैश कर गई है, मून का सतह पे क्रैश कर गई है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल था, मतलब अब ये जो दोनों मिशन लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन को एक कंपटीशन यानी रेस भी कह सकते हो। ऐसा क्योंकि ध्यान से सुनना, रशिया ने ये जो लूना 25 ये मिशन इंडियन मून मिशन चंद्रयान 3 से पहले या फिर उसके बाद भी कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब 11 अगस्त को लॉन्च किया। यानी ध्यान से सुनना, चंद्रयान 3 लॉन्च की गई थी 14 जुलाई 2023 2:35 पर, और उससे 27 या फिर 28 दिन बाद यानी 11 अगस्त को लॉन्च किया लूना 25 जो कि रशियन मून मिशन। याद रखना, 10 दिन बाद 10 डेज बाद यानी 21 अगस्त को लूना 25 लैंड कर जाएगा मून का साउथ पोल पे। याद रखना, चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले, और ये लैंड करेगा वही साउथ पोल में। ध्यान से सुनना, वही साउथ पोल में लैंड करेगा। इंडियन मून मिशन चंद्रयान 3 को लैंड करने था वही प्लेस में, इंडियन मून मिशन चंद्रयान 3 लैंड करेगा साउथ पोल में, जिस प्लेस में अभी तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंचे, और साउथ पोल के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताया, कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की, और ये लैंड करेगा इंडियन मून मिशन वही साउथ पोल में लैंड करना था। मतलब ऐसा ही हुआ कि उन्होंने यानी रशिया ने कंपटीशन करने चाहा, और ये कंपटीशन के बाद भी इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो और इंडिया ने भी खुशी हुए। ट्विटर पर उन्होंने ये बताया, थैंक्स फॉर दी विशेस एंड पॉजिटिविटी, लेट्स कंटिन्यू एक्सपीरियंसिंग द जर्नी टुगेदर। ध्यान से सुनना, उन्होंने ये ट्विटर पर ऐसे ही कहा है, और याद रखना उसे कंग्रेचुलेट भी की थी। याद रखना, जो रशियन मून मिशन लूना 25 उसे कंग्रेचुलेट भी की थी इसरो ने। बट ये मिशन अभी मून का सरफेस पे क्रैश कर गई है। इसका कारण है एक मैन मेड एरर के कारण ऐसे ही हुआ है। उन्होंने ऐसा ही कहा है कि उन्होंने तक कोई भी कन्फर्म रिपोर्ट अब तक नहीं दी, उनका जो कोई भी त्रुटि किसको नहीं बताया, बट ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है कि लूना 25 जो कि एक मैन मेड एरर के कारण ये फेल हुआ है, एक मून मिशन रशियन मून मिशन एक मैन मेड एरर के कारण त्रुटि के कारण, याद रखना मिशन एक त्रुटि के कारण लूना 25 को जिस डायरेक्शन में जाना था वो
वो अलग डिरेक्शन में एंट्री कर गया। और याद रखना, वही अलग डिरेक्शन में एंट्री करने से कारण और ये मिशन को कंट्रोल करने का उन्होंने कोशिश भी की पर फेल हो गया। रॉस्कोमोस ने यह भी बताया थी कि ये मिशन पर एक ग्लिच ही देखने को मिल रहा है। जब याद रखना, जब लूनार ऑर्बिट में एंटर कर गया था लूना 25, तब इनमें से एक ग्लिच देखने को मिल रहा था जो कि सैटरडे को बताया था। पर संडे को ये कन्फर्म रिपोर्ट ऐसा ही आया कि लूना 25 फेल हो गया है, जो कि मून का सरफेस पे क्रास कर गया है। याद रखना, ये एक अलग डिरेक्शन में जाने से कारण उसे रोक नहीं पाया उन्होंने। याद रखना, ये रॉस्कोमोस ने बताया, कन्फर्म रिपोर्ट दी है। और इसी बात पर, जो कि लूना 25 फेल होने का, इसी बात पर सभी देशों ने खुशी मना रहा है पर इंडिया ने नहीं। याद रखना, सभी देशों ने खुशी मना रहा है पर इंडिया ने नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन मून मिशन भी उसी रास्ते पर है, सफ़र कर रहा है। बट रशिया ने इंडिया का एक फ्रेंड है, इंडिया का फास्ट, याद रखना, उनका एक दोस्त है, इंडिया का दोस्त है, इंडिया का पहला, याद रखना, फास्ट एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, उनके मिशन, और याद रखना, भारत का पहला सैटेलाइट, फास्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट पर भी रशिया का हाथ है। रशिया ने बहुत ही हेल्प की थी। और आपको ये भी पता ही होगा, मैंने आपको बताई थी, इसरो का मिशन सन मिशन, गगनयान मिशन आने वाला है सामने, गगनयान मिशन। और ये जो देख रहा हूँ, ये गगनयान मिशन, इसमें भी रशिया का हाथ ही है, बहुत ही हेल्प कर रहा है रशिया ने। और रशिया ने बहुत ही क्षेत्रों में भी इंडिया को हेल्प ही करते आ रहा है, और इंडिया ने भी रशिया को हेल्प ही बहुत ही क्षेत्रों में कर रहा है। सो दोनों देश आपस में एक दोस्त है, अच्छी दोस्त है। और ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चंद्रयान 3 अभी भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर लूना 25 फेल हो गया है। चंद्रयान 3 अभी उसी रास्ते पर, रशियन मून मिशन लूना 25 जिस रास्ते पर फेल हुआ है, उसी रास्ते पर चंद्रयान 3 अभी भी सफर कर रहा है। और याद रखना, इंडिया ने मून का साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा, और दुनिया भर में फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो कि मून पे लैंड करने वाला। सो इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है आगे। सो याद रखना, लूना 25 जो रशियन मून मिशन लूना 25, उससे पहले यानी 47 ईयर से पहले रशिया ने कई सारे लूनार मिशन मून पे लॉन्च कर चुकी है, और उन्होंने सक्सेस भी की थी। बट उनके जो ये लूना 25 मिशन था, ये अब फेल हो गया है। सो हमें चंद्रयान 3 के बारे में कोई भी कुछ कन्फर्म रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। सो हमें बस प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा हो कि इंडिया ने साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बन जाए। सो हमें बस प्रार्थना ही करना चाहिए। सो ये तो कल ही देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीके इसी चैनल में मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ, और एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।